समाधिटी पर होश में रहना। समाधिटी पर होश बढ़ाने के बारे में हम बता देंगे आपको। बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत है, वो क्या है, बुद्ध वंदना करते समय या तो फिर किताब पढ़ते समय या तो फिर कोई काम करते समय, भोजन बनाते समय हो या मंदिर का कोई काम हो करते समय, होश में रहते हुए करने के लिए बहुत प्रयास करता है लेकिन मन नहीं लगा सकता है। इसलिए उन लोगों को बहुत पीड़ा तकलीफ उत्पन्न हो जाता है, शरीर जल्दी थक जाता है। उसी प्रकार होश रखने के लिए कोशिश करने पर, होश नहीं रहने पर जल्दी थक जाता है। इसके बाद उन लोग को वही काम सही ढंग से नहीं कर पाता है, चैन से नहीं कर पाता है, बुद्ध वंदना होश में रहते हुए नहीं कर पाता है, चाहे किताब पढ़ने का काम या कोई भी काम हो, होश में रहते हुए करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। ऐसे नहीं होने के कारण क्या होता है, बहुत पीड़ा दुख उत्पन्न होता है। आप लोग कभी कभी कहते हैं आकर के शरीर बहुत दुखता है, ऐसे होने का कारण क्या है, मैं होश में रहते हुए कोशिश करता है लेकिन मन होश में आता नहीं है, तो मन टेंशन में आ जाता है। मन टेंशन में आने के कारण शरीर एकदम मार दिया जैसा लगता है, दर्द है। इसके बाद मन में आता है हमको बुद्ध वंदना नहीं कर सकता है होश से रहते हुए, हमको हमेशा अपना मन होश में नहीं रख सकता है। इसका तो उनका मन में आ जाता है हमको वंदना नहीं कर पाएंगे, हमसे वंदना नहीं हो पाएगा। फिर प्रवचन सुनते समय में भी मन अगर शांत नहीं है तो वो सोचता है हमको प्रवचन भी ध्यान से नहीं सुन पाता है, मेरा मन उसमें रहता नहीं है। इसका किताब पढ़ते समय में भी सोचता है मुझे किताब में होश नहीं रख सकता है, स्मृति नहीं रख सकता है, इसीलिए मुझे किताब नहीं पढ़ सकता है। तो ऐसा कुछ काम करने जाएगा तो थक जाता है, पीड़ा उत्पन्न हो जाता है। ये तकलीफ बहुत लोगों के पास है जो बहुत प्रयास करते हैं। सोते सोते रहने वालों को तो कोई क्या तकलीफ है, धर्म के रास्ते पे जाने वाले, प्रयास करने वाले, होश में रहने के लिए कोशिश करने वाले लोगों को ये तकलीफ है। ऐसा होने का कारण क्या है, उन लोग हर जगह पे अपना मन को रोकने के लिए कोशिश करता है। बुद्ध वंदना करते समय, कोई उपदेश सुनते समय, किताब पढ़ते समय ऐसा है, किताब पढ़ते समय हर एक अक्षर पे अपना मन को रोकने के लिए कोशिश करता है। समझ में आ गया है, ऐसा करके हर एक शब्द पे मेरा ध्यान हो, हर एक शब्द पे अपना ध्यान लगाने के लिए कोशिश करता है। इधर नहीं जाओ मन, इधर उधर नहीं जाओ, हर एक शब्द पे मेरा मन रहो। समझ में आ गया है, उसी प्रकार मन को पकड़ के रोकने के लिए कोशिश करते हैं। सोचिए बुद्ध वंदना करते हैं, बुद्ध वंदना करते समय वो प्रयास करता है, बुद्ध वंदना का हर एक गाता, विपस्सित नमत चक्षुमन्त श्रीमत, हर एक शब्द पे हर एक अक्षर पे मन रोकने के लिए कोशिश करता है, हर एक शब्द होश में रहते हुए बोलते जाने के लिए कोशिश करता है। इसका मतलब मन को हर एक शब्द पे रोकने के लिए वो प्रयास करता है। या तो फिर प्रवचन सुनते समय में भी हर एक शब्द पे मन रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कभी मन ऐसे होता है, मन ऐसे नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ऐसे नहीं होने से क्या होता है, तकलीफ उत्पन्न हो जाता है, दिल दुखता है, तब शरीर दुखना शुरुआत हो जाता है।
इसके बाद लोग कहता है हमारा शरीर दुखता है, मन नहीं लगता है, आज बुखार जैसा लगता है। धर्म की रास्ता पे ज़रा सोच के बताइए, भगवान बुद्ध की ये धर्म की रास्ता पे जाने के कारण कभी दुख उत्पन्न हो सकता है, टेंशन उत्पन्न हो सकता है? कभी नहीं। आराम होना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, चैन होना चाहिए। धर्म के रास्ते पर रहते समय आराम होना चाहिए और प्रमोद होना चाहिए मन। ऐसा है तो हम लोग ये ध्यान वगैरह करते समय, धर्म के रास्ते पर जाते समय कोई तकलीफ पीड़ा वगैरह उत्पन्न हो गया तो, शरीर दर्द वगैरह उत्पन्न हो गया तो वो धर्म का गलत है या तो फिर हम लोग का गलती है? हम लोगों का गलती है, याद रखिए। इसी प्रकार बिना सोच के द्वारा उसी प्रकार ही करने के लिए सोचेगा तो, जैसे मैं मन उसी प्रकार रोकने के लिए कोशिश करेगा तो फिर द्वारा वो कोशिश करता है उसी टेंशन में आने के लिए। ऐसा है तो कोई टेंशन परेशान हो गया तो वो टेंशन परेशान क्या होगा, और बढ़ता आ जाएगा। शरीर दर्द है तो शरीर दर्द और बढ़ता आ जाएगा। इसके बाद मन में आता है नकारात्मक चिंतन, वो क्या है, हमें बुद्ध वंदना नहीं कर सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं कर सकता है, मुझे किताब नहीं पढ़ सकता है। ये ऐसी बात है, रास्ता पे जाते समय कोई एक लकड़ी थोड़ा सा शरीर में लग गया, अंदर चला गया थोड़ा सा, ये आदमी क्या करता है, उसको हटाने के लिए कोशिश नहीं करता है, बल्कि उसको और दबाता है और अंदर जाने के, रो रो के और दबाता है, रोता है, चिल्लाता है, और दबाता है अंदर, कभी दर्द हट जाएगा? वैसे ही है, हम लोग को धर्म की रास्ता पे जाने के कारण शांति, चैन, सुकीन, सुकून नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई दोष है, प्रैक्टिस करने का कोई गलत है, सिस्टम गलत है, ध्यान करने का मन, ध्यान में मन लगाने का सिस्टम गलत है, धर्म की रास्ते पर रहने का सिस्टम गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, और वैसे ही करते रहता है, वैसे ही करते रहने से वही परेशान ही बढ़ते जाएगा, बढ़ता जाएगा। धर्म की रास्ता पे रहेंगे तो कोई पीड़ा नहीं आना चाहिए। धर्म की रास्ता का स्वभाव कैसा है, सारे पीड़ा दूर हो के सुख शांति आना चाहिए, वो धर्म का नियम है, भगवान बुद्ध की रास्ता का स्वभाव है। इसलिए आप लोग समझने के लिए कोशिश करिए, अब से आप लोगों के धर्म की रास्ता में जाने के का जाते जाते टेंशन परेशान हो गया तो, कोई तकलीफ हो गया तो, पीड़ा दर्द हो गया तो, याद रखिए आप लोग जो धर्म की रास्ता प्रयास करता है उसी प्रयास सिस्टम का गलती है, धर्म का गलती नहीं है। इसीलिए सिस्टम बदलना चाहे तुरंत। अगर ऐसा हम लोग नहीं समझ लेंगे तो बार बार वैसे ही करते रहता है, किसी को बोलता तक नहीं है, बर्दाश्त करते करते जा रहा है, अंत में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते, धर्म को छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी से करके अपनी मर्जी से छोड़ भी देते हैं, फिर भगवान बुद्धि का रास्ता छोड़ देते हैं। फिर आप लोग का मन में आ जाएगा जा करके कहीं आराम से बगीचा में घूम के, कोई एक दो फिल्म देख के,
आराम से थोड़ा सो के आराम करेंगे, क्या तकलीफ, घर में जाके आराम से रहेंगे, टाइम पे खाना मिल जाएगा, सब कुछ हो जाता है, क्या तकलीफ है। ऐसा खुद निर्णय लेकर के खुद रास्ता से हट जाता है, खुद को पछताना पड़ता है। इसके बाद क्या हो रहा है, वैसा हम एक उदाहरण बताए ना, कांटा कोई लग गया तो कांटा हटाने के लिए कोशिश नहीं करते, बल्कि और दबाता है अंदर। ऐसे हो गया तो क्या करना पड़ेगा, अंदर जाने के बाद जिस कारण पे जा रहा था जा पाएगा, वापस लौट के आना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। वैसे ही है, आप लोग के धर्म की रास्ता पे जाने के कारण जो टेंशन है हो या तकलीफ हो, परेशान में हो, चिंता में पड़ा है, वैसा कुछ है तो आप लोग का कोई गलती है सिस्टम का। अभी नहीं हटा दिया तो वो सिस्टम अभी बदला नहीं है तो आप लोग धर्म की रास्ता पे ज़्यादा दूर आप नहीं जा पाएंगे, आपको रुकना पड़ेगा, फिर वापस लौटना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा रास्ता, नहीं तो आप उस पर उपादान हो के फिर कभी नहीं छोड़ पाएगा। उपादान ऐसा चीज़ है, चमड़ी मांस हड्डी छेद करके अंदर घुसा रहता है उपादान बंधन, फिर आप लोग अपना वो विचारों में उपादान हो गया तो फिर प्रॉब्लम, हटा नहीं पाएगा। अभी से चेंज करना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग ये बात समझने के लिए कोशिश कीजिए, ऐसे है तो कारण क्या है। हम लोग होश में रहने के लिए कोशिश नहीं किए हैं, बल्कि मन को हर चीज़ पर रोकने के लिए कोशिश किया है। मैत्री ध्यान हो या आनापानसति ध्यान हो, मैत्री ध्यान पे हर एक शब्द पे मन को रोकने के लिए कोशिश किया है, मन ऐसा रोकता नहीं है। आनापानसति में क्या करता है, एक जगह मन को रोकने के लिए कोशिश करता है, नाक के पास या श्वास को रोकने के लिए कोशिश करता है, इसलिए तकलीफ है। कभी ये हो सकता है क्या, मन को जबरदस्ती पकड़ के रोक सकता है, कभी नहीं रोक सकता है, ऐसा नहीं रोक पाता है। इसी के कारण पीड़ा दुख दर्द आते रहता है, ये नॉर्मली बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन बहुत लोग समझता नहीं है। इसलिए याद रखिए, ये मन जबरदस्त रोकने के लिए कोशिश मत कीजिए, रास्ता वो नहीं है। इसी रास्ता से कभी भी सुख शांति आराम सुकून नहीं मिलता है, सिर्फ पीड़ा उत्पन्न हो जाता है, सुख फल उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ उसमें से दुख फल उत्पन्न हो जाता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। तो सुख शांति उत्पन्न होना है तो, सुख फल उत्पन्न होना है तो हम लोग करने वाले काम पे हमारे लिए मदद होता है सम्मादिट्ठि, क्या उपकार होता है सम्मादिट्ठि से ही कुशल उत्पन्न हो जाता है, कुशल बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, सारे कुशल बढ़ता भी हैं सम्मादिट्ठि से, सारे कुशल उत्पन्न होता भी हैं सम्मादिट्ठि से। इसीलिए सम्मादिट्ठि के साथ संगत करके हम लोग का जीवन सम्मादिट्ठि के अनुसार बढ़ाना चाहिए, सम्मादिट्ठि के अनुसार हम लोग का जीवन को आगे ले जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसलिए सम्मादिट्ठि के अनुसार
कोशिश करिए। हम आप लोग के एग्जांपल बता देंगे। बुद्धवंदना करते समय पूरा बुद्धवंदना पे ध्यान दे दीजिए। सोच लीजिए आप लोग अपना भाषा से वंदना करता है, विपाशिष नमातु चाकुमान सिर, तो विपाशिष भगवान बुद्ध को नमन कर रहे हैं, वही याद आना चाहिए, शब्द शब्द पे रखना नहीं। मैत्री भावना करता है तो हर एक शब्द शब्द पे मनन करना नहीं, वो थक जाएंगे आप लोग। मैत्री ध्यान, मैत्री विचार करना चाहिए, नॉर्मल विचार होना चाहिए। आना पाना साथी भी श्वास पे ध्यान देना चाहिए, मन रोकना नहीं। उसी प्रकार कोशिश करिए तो आप सभी लोगों को उसके लिए भाग्य मिल जाएगा।